गाइस वेलकम टू एस पॉइंट, दिस इज अदिति पांडे। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा करंट में काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है एक टॉपिक। आपने सुना होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने 25 कंट्रीज़ को ग्रेटिट्यूड पे किया है, यानी कि थैंक यू कहा है, बट उन्होंने इंडिया को मेंशन नहीं किया, जबकि इंडिया एंड इसराइल के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, उनके रिलेशंस के बीच कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। सो उन्होंने इंडिया को मेंशन क्यों नहीं किया? एंड आपने ये भी क्वेश्चन सुना होगा कि इंडिया ने इसराइल का साथ क्यों नहीं दिया। तो आइए इस बात पर चर्चा करते हैं और इन क्वेश्चंस के सवाल, ये जो सवाल हैं, इनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के नेगेटिव वे में हुए एक्शंस, यानी नकारात्मक तरीके से कोई भी कार्य के प्रति प्रतिक्रिया देती है, तो उसे सपोर्ट की ज़रूरत होती है और कंट्रीज़ की। जैसे कि 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी एंड 2019 में जो पुलवामा अटैक हुआ था, उसके तरफ जब हमने रिएक्ट किया तो हमें इसराइल और भी कई सारी कंट्रीज़ ने सपोर्ट किया था, और इसराइल ने तो स्पेशली फोर फ्रंट पर आके हमें सपोर्ट किया था एज अ बेस्ट फ्रेंड। सो जब इस बार उसकी लड़ाई हुई है, आप जानते ही हैं कि इसराइल और पैलेस्टाइन में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव माहौल चल रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। तो उस टाइम पे जब इसराइल ने रिएक्ट किया है तो इंडिया ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लाइक ये जो 25 कंट्रीज़ को ग्रेटिट्यूड पे किया गया है, इन्हें इनके सपोर्ट के लिए ही पे किया गया है, बट इस पर इंडिया ने कोई प्रतिक्रिया अपनी नहीं दी है। तो ये बात तो किसी भी बेस्ट फ्रेंड को बुरी लगेगी अगर उसका बेस्ट फ्रेंड उसका साथ नहीं देता है। तो इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने इंडिया को अपने ग्रेटिट्यूड लेटर में मेंशन नहीं किया, क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं गई। इंडिया की तरफ से 50-50 चल रहा है, मतलब उसकी पब्लिक ने ही सब कुछ किया है, कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट से कोई भी रिएक्शन नहीं गया है। पब्लिक ने 50-50 है, लाइक 50% लोग पैलेस्टाइन के साथ हैं तो 50% इसराइल के साथ हैं। तो अब जानते हैं कि इंडिया ने साथ क्यों नहीं दिया। तो उसका मेन रीज़न ये है कि जो इंडिया है उसके बिज़नेस के रिलेशंस दोनों ही कंट्रीज़ के साथ हैं, पैलेस्टाइन हो या फिर इसराइल हो। तो वो किसी एक के ख़िलाफ़ भी अगर बोलता है तो दूसरे के साथ असर पड़ेगा। एंड द सेकंड थिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि इंडिया के कई सारे लोग हैं जो कि पैलेस्टाइन में भी बसे हुए हैं और इसराइल में भी बसे हुए हैं। यदि वो किसी एक का साथ देता है तो उन लोगों की जॉब और भी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाएगा, जो कि इंडिया को मंजूर नहीं है। तो इसीलिए इंडिया ने इसराइल का फोर फ्रंट पे आके साथ नहीं दिया है। हाँ, लेकिन इंडिया ने इसराइल को गलत नहीं कहा है, उसने ये कहा है कि हाँ, आपने जो किया है वो सही है, आपने भी किया है और उन्होंने भी किया है, दोनों ही तरफ जो भी हानियां हुई हैं उनकी संवेदनाएं व्यक्त की हैं, तथा दोनों ही कंट्रीज़ के साथ है और इंडिया चाहता है कि दोनों इक्वली बैलेंस बना के चलें, सो दैट दोनों एक साथ समझौता करें, कम्युनिकेट करके इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आई होप यू गेट क्लैरिटी अबाउट दैट। अगर कोई भी क्वेश्चन और हो या क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कुछ कहना हो कमेंट में, कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।